फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जाने के लेसन 50, जहां पर हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव क्या होता है। ध्यान से देखिए, तो मैंने आपके सामने लिखा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का जो एक्टिव होता है, इसकी पहचान क्या होती है, गागी के जो कि वर्ब के साथ में जुड़कर आएगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं गाना गाऊंगा, वह भोजन बनाएगी, आप अंग्रेजी सीखोगे या फिर वह मुझे पढ़ाएगा। और जैसे ही बात हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव सेंटेंस की तो हमारी पहचान क्या हो जाएगी, जाएगा, जाएगी, जाएंगे। यहाँ पर आपको माइंड ये भी करना है कि गागी के हमारा वर्ब के साथ में जुड़ के आता था, बट जाएगा, जाएगी, जाएंगे वर्ब के बाद में अलग से लिखकर आएगा। जैसे सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा आपको पीटा जाएगा, मम्मी के द्वारा भोजन बनाया जाएगा, मेरे द्वारा पार्टी मनाई जाएगी। तो मनाई जाएगी, पीटा जाएगा, सजा दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो जाएगा, जाएगी, जाएंगे, ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव की पहचान होगी, जो कि वर्ब की बात अलग से लिखकर आएगी। अब ध्यान से देखिए, तो मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखा है, क्या सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और ऐसा हमें कब करना होता है फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंस में। हम लोगों ने प्रीवियस लेशन में, यानी कभी फ्यूचर इंडेफिनिट के लेशन में, ये भी देखा था कि आई और वी के साथ हम लोग सेल का यूज करते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। बट अगर कंडीशन क्या हो जाए कि हमने किसी को धमकी दी है, बात हमारी पक्की है, या फिर किसी को हमने प्रॉमिस किया है, तो आई और वी के साथ भी हम लोग विल का यूज और बचे हुए सारे सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज किया करते थे। तो उस चीज को आपको अभी भी माइंड करके ही चलना है। और स्पीकिंग की बात हो तो सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सबके साथ विल का यूज कर सकते हैं। आज बात पैसिव की जा रही है, तो ध्यान से देखिए, हमने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। इसका एक स्ट्रक्चर मैंने और लिखा है नेगेटिव सेंटेंस के लिए कि ऑब्जेक्ट विल नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। तो माइंड कीजिएगा, ये जो बी था, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ये हमारे सारे के सारे स्ट्रक्चर में ऐसे ही रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो हम लोग हमेशा देखते ही आ रहे हैं कि हम लोग ने जो स्ट्रक्चर बनाए थे, पूरे के पूरे कितने बनाए थे, 6 के 6 बनाए थे। तो आपको भी 6 स्ट्रक्चर में प्रैक्टिस करनी होगी। अब फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा होता कि वह भोजन बनाएगा, तो क्या आप इस सेंटेंस को पहचान कर बता सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा एक्टिव का है कि पैसिव का? ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? एक्टिव का हो गया। अब इसको आप एक्टिव से बना लीजिए, तो क्या बनेगा हमारा स्टेटमेंट? ही, फिर क्या आने वाला है बताइए? विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या थी यहाँ पर? बनाना, तो ही विल कुक, सी डबल ओकी, और उसके बाद यहाँ पर फूड को ऐड कर दीजिए, तो हमारा सेंटेंस बन चुका है ही विल कुक फूड, वह भोजन बनाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि सी विल टीच मी, तो हिंदी क्या होगी? वह मुझे पढ़ाएगी। आई विल सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाऊंगा। अब फ्रेंड, इसी को अगर मैं पैसिव बनाना होता तो मुझे क्या करना पड़ता, क्या बता सकते हो? हमने प्रीवियस लेशन में इसको पैसिव बनाने का तरीका आपको बताया है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके द्वारा भोजन बनाया जाएगा, और इसको आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए कि उसके द्वारा भोजन बनाया जाएगा। अब ये सेंटेंस हमारा पैसिव हो चुका है, तो सबसे पहला हमें काम क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट रखना होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका अभी भी वही है कि सबसे पहले हमें वर्ब को ढूंढना है, तो हमारी वर्ब क्या थी? बनाना, और क्या बनाया जाएगा? भोजन, तो भोजन हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या ऐड करना होगा? फूड, उसको आप ऐड कर दीजिए। इसके ठीक बाद यहाँ पर हमें क्या रखना होगा? विल बी, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी होगी? थर्ड फॉर्म, तो फूड विल बी कुक्ड, और बाई के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? हिम, क्योंकि जो ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? हिम। हमें बाय के बाद क्या रखना होगा? हिम। सेंटेंस बन चुका है कि फूड विल बी कुक्ड बाय हिम, उसके द्वारा भोजन बनाया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि फूड विल नॉट बी कुक्ड बाय हिम, तो हिंदी क्या होगी? कि उसके द्वारा भोजन नहीं बनाया जाएगा। अगर विल को पहले रखा जाए कि विल फूड बी कुक्ड बाय हिम, तो हिंदी क्या होने वाली है? क्या उसके द्वारा भोजन बनाया जाएगा। एक एग्जाम्पल और सुनिएगा, शी विल पनिश मी, वह मुझे सजा देगी। I will be punished by her, उसके द्वारा मुझे सजा दी जाएगी। I will not be punished by her, उसके द्वारा मुझे सजा नहीं दी जाएगी। Will I be punished by her, क्या उसके द्वारा मुझे सजा दी जाएगी। Will I not be punished by her, क्या उसके द्वारा मुझे सजा नहीं दी जाएगी। And why will I be punished by her, मुझे उसके द्वारा सजा क्यों दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसी प्रैक्टिस आपको भी करनी है। एक एक्टिव का सेंटेंस लीजिए, उसको पैसिव में
चेंज कीजिए और पैसिव का सेंटेंस लेकर उसको एक्टिव में बोलने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।